अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी टेस्ट की, यूईटी के एंट्री टेस्ट की, एनटीएस नेट या फास्ट पास और जीके जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैचेस की डिटेल ले सकते हैं इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके। अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट्स भी करीब करीब होती है, तो स्टूडेंट्स प्रॉपर वे से यूनिवर्सिटीज टेस्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर इसको फॉलो करें। इसके थ्रू आप लोगों को यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप की अपडेट्स, टेस्ट की डेट्स और उनमें अप्लाई कैसे करना है, डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आज के क्वेश्चंस में जो कि यूनिवर्सिटी के पास पेपर के एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सेलरेशन का अगर हम फार्मूला देखें तो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो SHM करती बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजिशन पे मैक्सिमम होता है क्योंकि एक्स जो है ये एम्पलीट्यूड बन जाता है एक्स नॉट। और इसी तरह अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखें, हाफ के एक्स स्क्वायर जो कि SHM करती बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब कोई बॉडी मूव करके जाएगी तो एक्स एक्स नॉट की इक्वल होगा, मैक्सिमम होने से पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हो जाती है, इसके फार्मूला में अगर आप एक्स को एक्स नॉट से रिप्लेस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम होते हैं जबकि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो यूं उसने यही पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम है तो कौन सा करेक्ट है, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा, तो ऑल आर करेक्ट हमारे पास। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होगी, तो ऑल आर करेक्ट हमारे पास इसमें से होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इफ मैस अटैच विद अ स्प्रिंग बिकम्स फोर टाइम, अगर मैस फोर टाइम कर दें तो एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड SHM करती बॉडी का क्या फर्क पड़ेगा। तो रिलेशन आप देखें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था और ओमेगा स्क्वायर को K/m भी हम लिख सकते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम के फॉर्मेट में। तो यहां से अगर मैस जो है वो फोर टाइम हुआ तो एक्सेलरेशन 1/4 टाइम हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन 1/4 टाइम अगर हो गया तो टाइम पीरियड देखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 π m/k√। m अगर आप 4 टाइम करेंगे, 4 का रूट बाहर आएगा तो डबल हो जाएगा। तो यूं आप देखें कि जो एक्सेलरेशन है वो 1/4 टाइम हो जाएगा, मैस जो टाइम पीरियड है मैस स्प्रिंग सिस्टम का वो डबल हो जाएगा अगर आपने मैस को 4 टाइम इंक्रीज किया। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेकंड पेंडुलम की निकालनी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2 π f। पहले आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2 सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी 1/2 हो जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अप्लाई करें 2 π f, f की जगह 1/2 प्लग इन करेंगे, 2 2 से कट जाएगा, तो पाई रेडियन पर सेकंड इज द आंसर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एफ, द फ्रीक्वेंसी विद विच पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी रिटन एज। तो याद रखिए एक सिंगल वाइब्रेशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है SHM करती बॉडी की, या हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 times मैक्सिमम होती है और 2 times जीरो होती है। तो यूं अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो इसका बनेगा करेक्ट आंसर वो 2f होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। जो बच्चे भी प्रॉपर वे से घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे बैचेस को जरूर ज्वाइन करें। आप हमारे बैच को ज्वाइन करने से टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। 2.5 मंथ का हमारा बैच होता है जिसमें आप लोगों को बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स दिए जाते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों से क्वार्टर बुक, फुल बुक, हाफ बुक इस पैटर्न पे टेस्ट लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स को फील्ड के बारे में भी हम कंप्लीट गाइड करते हैं ताकि उनको अच्छी यूनिवर्सिटी अपनी फील्ड के रिलेटेड जो जिधर उनका इंटरेस्ट है वो गेन करने में आसानी हो। तो जरूर आप लोग ये सेशन ज्वाइन करें। अभी नस्ट एनईटी 1 भी आने वाला है, उसके लिए भी हम बड़ा प्रीसाइज हमने बैच स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप लोग हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आज ही अपनी सीट रिजर्व करवाएं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। उसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटीरियल मिलने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।